Good morning, dear students. Today we will study about the organs of the United Nations. So there are six organs of the United Nations, or in six organs, there is से सिर्फ organ ऐसा is headquarter headquarters is the Netherlands and all the other organs of the United Nations have their headquarters in New York, USA. So it is a very small fact. Kindly learn it. जनरल असेंबली ये मेन बॉडी है यू एन की वाई वी सी इट इज़ मेन बॉडी बिकॉज ऑलरेडी वन नाइनटी थ्री मेम्बर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंट इन दिस ऑर्गन ओनली सो ये ही एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जहाँ पर सारे मेम्बर कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ईच कंट्री हैज़ फाइव रिप्रेजेंटेटिव हर देश के पाँच रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स होते हैं एंड ईच कंट्री हैज़ वन वोट ओनली सो so, यहाँ पर वर्किंग क्या होती है बेसिकली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में आ, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है बट हाउ द आर ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग नाउ सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और वी कैन से पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड वर्क क्या है या फंक्शन क्या है या मोटिव क्या है द मेन फंक्शन और मोटिव और वी कैन से दब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइज टू मेनटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में शांति और सिक्योरिटी को मेनटेन करना ही फंक्शन है इट हैज़ फिफ्टीन मेंबर्स इसमें फिफ्टीन मेम्बर्स होते हैं आउट ऑफ दिस फिफ्टीन मेम्बर्स फाइव मेंबर्स आफ परमानेंट फाइव मेंबर्स परमानेंट है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक यूनाइटेड नेशन रहेगा जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जब तक ये फाइव परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट रहेंगे देन देर आर टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स फिर दस नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम दी जनरल असेंबली और वी कैन से बाय द जनरल असेंबली और हर कंट्री जो कि नॉन परमानेंट मेंबर बनता है सिक्योरिटी काउंसिल का उसको टू ईयर्स का टर्म कंप्लीट करना होता है सो इंडिया ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है सेवन टाइम्स और एट प्रेजेंट इंडिया अपना एट्थ टाइम सर्व कर रहा है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल देन सेक्रेटेरिएट सेक्रटेरिएट इज़ लाइक अ ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ये एक तरीके mm -hmm. से आप समझ लीजिए ऑफिस है यूनाइटेड नेशन का जहाँ पर यूनाइटेड mm नेशन -hmm. का डे टू डे टू डे वर्क कैरी किया जाता है या कह सकते हैं डे टू डे वर्क किया जाता है देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज़ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन जो सेक्रटेरिएट में वर्क करते हैं एंड इट इज़ हेडेड बाई इन सेक्रटेरिएट का हेड होते हैं सेक्रटरी जनरल जिनको जनरल असम्बली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फाइव ईयर्स के लिए ऑन द रिकमेंडेश सिक्योरिटी काउंसिल दैन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक जुडिशियल ऑर्गन है वॉट इज़ द जुडिशियल ऑर्गन लाइक हमारे कंट्री में इन इंडिया वी आर हैविंग कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन द सेम मैनर इट इज अ इट इज अ जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ये जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर फिफ्टीन जजेस होते हैं जिनको नाइन ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है एंड दीज फिफ्टीन जजेस सो इट सेटल्स डिस्प्यूट जो मेन फंक्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो है अगर किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए कोई प्रॉब्लम uh, अराइज हो जाए तो उसको सॉल्व कराना देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई नया लॉ क्रिएट नहीं करता है बट इट मेक श्योर जो पुराने लॉज हैं इंटरनेशनल लॉज हैं उनको फॉलो किया जाए सारे मेम्बर कंट्रीज़ के द्वारा देन इट वर्क फॉर दी ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इसके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं सो द फील्ड्स आर इकोनॉमिक फील्ड इज देयर दैन सोशल फील्ड इज देयर देन एनवामेंटल फील्ड इज देयर सो इट दिस ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हेल्प दंट्रीज टू मेंटेन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस सोशल कंडीशन एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन एज वेल सो बेसिकली फिफ्टी फोर मेम्बर्स होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो कि जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं एंड ईच कंट्री हैज़ टर्म ऑफ थ्री इयर्स इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सो जो भी कंट्रीज मेंबर होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का उनको थ्री ईयर्स का टर्म सर्व करना होता है ट्रस्टी ट्रस्टीशिप काउंसिल 1945 में इस्टबलिश किया गया था ठीक है इट वॉज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविज़न फॉर इलेवन ट्रस्ट टेरेटरीज सो इलेवन ट्रस्ट टेरेटरीज़ को सुपरवाइज़ करने के लिए बनाया गया था बेसिकली हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ जो बड़े बड़े थे या ये कह सकते हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ थे उन्होंने कुछ छोटे कंट्रीज़ पर कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना लिया था ये कह है सकते हैं आप कि वो उन कंट्रीज़ पर रूल कर रहे थे सो so, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इसलिए क्रिएट किया गया था एक तो उन कंट्रीज़ को आज़ाद कराने के लिए उनको इंडिपेंडेंस अचीव कराने के लिए दूसरा अगर इन केस इंडिपेंडेंस अचीव नहीं भी हो पाता है तो जो भी पीपल्स रह रहे हैं उन कंट्रीज़ में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले रहने के लिए इसको इंश्योर करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को इस्टबलिश किया गया था दीज ट्रस्ट territories अटेन इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नमेंट बाई नाइनटीन नाइन्टी फोर लेकिन 1994 नाइन फोर तक नाइनटीन नाइन्टी फोर ईयर तक सारी जितने भी ऐसे कंट्रीज होते हैं वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस अचीव कर चुके होते हैं पलाओ वॉज लास्ट कंट्री सो अभी एट प्रेजेंट ट्रस्टशिप काउंसिल वर्क नहीं कर रही है इट इज़ प्रेजेंट ऑन पेपर्स यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन पेपर्स पे तो प्रेजेंट है बट अभी एट प्रेजेंट फंक्शनल नहीं है सो इट वॉज डिस की जब भी जरूरत पड़ेगी तो ट्रस्टिप mm. काउंसिल का फंक्शनिंग दोबारे से शुरू किया जाएगा बट एट प्रेजेंट इट इज नॉट एक्टिव एनी मोर सो दैट्स ऑल फोर टूडे डी यूर स्टूडेंट वॉच दीडियो एन ए